दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों घर की बहु बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई स्त्री किसी भी घर को चाहे स्वर्ग बना सकती है और किसी भी घर को चाहे तो नरक भी बना सकती है। दोस्तों कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। ये बात अपने आप में एकदम सच है। घर की लक्ष्मी स्त्री ही होती है। दोस्तों जिस घर में स्त्री नहीं होती है वो घर घर नहीं होता है। हर घर की सुख समृद्धि स्त्री से जुड़ी होती है। दोस्तों चाणक्य की नीति में आचार्य चाणक्य जी बताते हैं कि हर व्यक्ति की सुख समृद्धि पूरी तरह से एक स्त्री पर निर्भर करती है। घर की लक्ष्मी घर के सारे काम करती है, वह सभी का ख्याल रखती है। वहीं दोस्तों चाणक्य जी बताते हैं कि जाने अनजाने में घर की स्त्री से कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे घर की सुख शांति दूर हो जाती है। दोस्तों चाणक्य जी बताते हैं कि घर के अंदर कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें कभी भी स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप राजा से भिखारी बन सकते हैं। तो कौन से वो काम हैं आइए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब जानते हैं उन कामों के बारे में जरा विस्तार से। दोस्तों स्त्रियां झाड़ू को ना मारे पैर। कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारनी चाहिए। जिस घर में महिलाएं झाड़ू को पैर लगाती हैं या पैर से ठोकर मारती हैं वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उस घर में गरीबी छाई रहती है, वह घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रहे घर की महिलाओं को ये काम कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों आगे बताया गया है ना रखें झूठे बर्तन। घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है कि वे तवा और कढ़ाई को किचन में झूठा रखकर ही सोने के लिए चली जाती हैं। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करती हैं तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती है। यह गरीबी और दुख का कारण बन सकता है। इसलिए स्त्रियां भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। दोस्तों आगे बताया गया है किसी को ना दें सिंदूर दानी। स्वागन महिलाएं कभी भी अपने सिंदूर को जिस भी डिब्बी या सिंदूर दानी से आप सिंदूर लगाती हैं वह आपको किसी को नहीं देना चाहिए। और सिंदूर जब भी लगाएं तो अकेले में सिर पर पल्ला डालकर ही लगाएं। दोस्तों आगे बताया गया है ना दें पायल और चूड़ी। सुहागन महिलाएं अपने हाथ की चूड़ियां और पैर में पहली पायल भी किसी के साथ शेयर ना करें। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों लास्ट पॉइंट बताया गया है माथे की बिंदी। अपने माथे की बिंदी भी किसी औरत को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके पति पर भारी मुसीबत आ सकती है और घर में गरीबी भी छा सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक करें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।